आगे अब बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ सियासी खबरों की। भोपाल के ईदगाह हिल्स से उठी नाम बदलने की मांग अब लगातार बढ़ती जा रही है। ईदगाह हिल्स के अलावा होशंगाबाद के नाम बदलने की मांग भी अब तेजी से उठ रही है। इंदौर के खजराना इलाके के नाम बदलने की मांग अब शुरू हो चुकी है। सांसद शंकर लालवानी ने खजराना का नाम बदलकर गणेश नगर करने की मांग की है। शंकर लालवानी का कहना है कि देश विदेश में इंदौर की पहचान प्रसिद्ध गणेश मंदिर में से है और इसलिए लोगों की मांग को देखते हुए खजराना इलाके का नाम गणेश नगर या गणेश कॉलोनी होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इतिहासकारों के अनुसार होलकर वंशजों ने इस इलाके में स्थित एक कुएं में अपना खजाना छुपाकर रखा था, जिसके चलते धीरे धीरे इस इलाके का नाम खजराना पड़ गया। वहीं कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि यह स्थित खजराना दरगाह से इलाके का नाम खजराना पड़ा है। हालांकि इतिहासकारों के इन दावों में आखिर कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से प्रदेश में नाम बदला जा रहा है कुछ इलाकों का, ऐसे में सियासत काफी गरमाई हुई है। ये आवाजें अब उठने लगी हैं। भोपाल के ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी रखने की मांग की गई और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ये मांग रखी है। वहीं आपको बता दें होशंगाबाद के नाम बदलने की भी बात चल रही है। इंदौर के खजराना इलाके को अब गणेश नगर या गणेश मंदिर के नाम से जाना जाए, इसको लेकर भी अब मांग तेज हो गई है। ये नाम जहाँ जहाँ बदलने की बात चल रही है, वहाँ नामों का जो मूल नाम थे बदले गए हैं और इंदौर में भी कई कई क्षेत्रों में बात आती है इस प्रकार की कि जो वहाँ के क्षेत्र जिस नाम से प्रसिद्ध है क्षेत्र, उस वो नाम न लेते हुए दूसरा लेते हैं। अब हमारे यहाँ पूरे देश का सुप्रसिद्ध गणेश मंदिर है और हम खजराना गणेश मंदिर बोलते हैं, पर वो खजराना बीच में आ जाता है, लेकिन है तो वो गणेश नगर। और वहाँ के लोग भी हमेशा आते हैं कि इसका नाम गणेश कॉलोनी किया जाए, गणेश नगर किया जाए। अब खजराना के साथ गणेश कैसे जुड़ा है ये लोग वहाँ बोलते रहते हैं। तो ठीक है, अगर लोगों की मांग है तो विचार किया जाएगा कि उसको गणेश नगर, गणेश कॉलोनी क्या हो सकता है, वो करना चाहिए। ठीक है, तो सांसद शंकर लालवानी को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना कि लोगों की मांग है और इसलिए इस पर विचार किया जा रहा है कि खजराना का नाम बदलकर गणेश नगर रखा जाए या गणेश इलाके के नाम से उसे जाना जाए। ज़्यादा हम इस पर चर्चा करेंगे। नरेंद्र सलूजा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गोविंद मालू जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोविंद मालू जी आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरीके से सांसद शंकर लालवानी जी ने ये मांग रखी है कि खजराना इलाके का नाम बदला जाए और गणेश नगर के नाम सब से जाना चाहिए, क्या ये उनका व्यक्तिगत विचार है कि पार्टी का भी यही विचार है? देखिए, पार्टी का विचार क्या है इस बारे में, लेकिन जनता की भावनाओं का आदर करना सबका काम है। अभी लालवानी जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जनता की इच्छा है, वो जनप्रतिनिधि है, वो महल नगर के सांसद हैं, तो जनता की भावना की अभिव्यक्ति उनके मुख से सरकार तक पहुंचनी चाहिए और भावनाओं की प्रतिपूर्ति होनी चाहिए। उसमें क्या गलत है यदि खजराना के नाम से और आज गणेश जी के नाम से वो प्रसिद्ध है जगह, वो खजराना गणेश पर काफी लोग आते हैं, तो उसको वहां पर अगर गणेश कॉलोनी या गणेश धाम भी कह दिया जाए तो क्या गलत है जी उस रूप में? लेकिन गोविंद जी, आपको नहीं लगता कि प्रदेश में कई ऐसे इश्यूज हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए और ये सब चीजों पे ध्यान? जी, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं जी, इस इशू में कोई पैसा नहीं लग रहा है, इस इशू में कोई मशक्कत भी नहीं है। इसके लिए तो एक प्रस्ताव पारित करने की जरूरत है जी। ये सब फिजूल की बात है कि उसमें कोई बाकी सब चीजों पर सरकार ध्यान दे रही, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, विकास, इन सब चीजों पर, लेकिन इससे कोई इससे कुछ समय भी नहीं कोई जाया हो रहा है, ना कोई पैसा जाया हो रहा है। ये तो एक सहज प्रक्रिया में एक समर्थन दे रही है और नाम बदलने को लेकर जिस तरीके से अब आवाजें उठने लगी हैं। देखो, ये वही सांसद जी शंकर अलवानी जी, इन्होंने कुछ दिन पूर्व संसद के अंदर सिंधी प्रदेश, सिंधी एक अलग राज्य की मांग करी थी। आप देखेंगे इस तरह के विवादास्पद मुद्दे हैं, ये सब नाम से क्या होता है? यदि खजराना में भगवान गणेश का मंदिर है, वहाँ गणेशपुरी कॉलोनी भी है, क्या नाम बदलने से कुछ महत्व बढ़ जाएगा स्थान का? अरे, खजराना का गणेश मंदिर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन आप उसके नाम बदलने की राजनीति क्यों करना चाहते हैं? आज पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहा है, आज पूरे देश में किसान अपने परिवार के साथ सड़कों पर बैठा, उस पर आप बात नहीं करेंगे? आज युवा रोजगार को लेकर भटक रहा, उस पर बात नहीं करेंगे? शहडोल में बच्चे मर रहे हैं, उस पर आप बात नहीं करेंगे? प्रदेश के विकास
इतिहास पर बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे मुद्दों से भटकाने की, लव जिहाद पे बात करेंगे, आप इस तरह की बातें करेंगे, ये सब बातें क्यों हो रही। अरे आपकी 15 वर्ष प्रदेश में भी सरकार रही, 20 साल आपके नगर निगम इंदौर में, तब तो इस तरह की बातें नहीं हुई। जब भी ये मुद्दों से असफल होते हैं इस तरह के भटकाने वाली राजनीति करते हैं, और ये रामेश्वर शर्मा के नकल करना चाहते हैं शंकर ललवानी, क्योंकि रामेश्वर शर्मा जी ने कहा है तो उनको लग रहा है कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए सस्ती में भी इंदौर में चालू हो जाऊं। अब थोड़े दिन बाद हर गली का छुटभैया नेता बीजेपी का चालू हो जाएगा कि ये मोहल्ले का नाम बदल दो और ये बदल दो वो बदल दो, ये गलत परंपरा को जन्म। लेकिन नरेंद्र जी, सांसद शंकर ललवानी जी कह रहे हैं कि वहां की जनता की मांग है, एक भी जनता ने उनको ना कोई प्रतिनिधि मंडल मिला ना ज्ञापन दिया। हाँ आप जरूर होगा, मैं आगे का बता दूं, जैसे रामेश्वर शर्मा ने ईदगाह हिल का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी की मांग रखी, उसके बाद खुद उनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, खुद रामेश्वर शर्मा के सिख नेताओं के पास फोन गए, क्या पाइए हमसे मांग करिए, मुझे ज्ञापन दीजिए, फोटो खिंचवाइए, ताकि मैं बता सकूं कि इस तरह की मांग आपकी तरफ से उठी। और अभी जब शंकर ललवानी कह रहा है, थोड़े दिन बाद देखना कि प्रतिनिधि मंडल मिलेगा उस क्षेत्र के लोगों का उनसे और मांग करेगा, अब तो बाद में होगा, एक प्रायोजित पटकथा रची जाएगी। गोविंद जी, कांग्रेस इसको ऐसे देख रही है कि मुद्दों से भटकाया जा रहा है और इन विषयों पे राजनीति हो रही है और राजनीति से प्रेरित इसे देखा जा रहा है कि इन पे बात नहीं करनी चाहिए, और भी कई मुद्दे हैं उन पे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन इन विषयों से आखिर क्या मिलेगा? देखिए, सभ्यता और संस्कृति इस देश में जिस तरह से क्षरण हुआ है कांग्रेस के टाइम से, आजादी के बाद से, यदि हम उस सभ्यता और संस्कृति का पुनर्निर्माण, पुनरअस्तित्व में लाने की बात कर रहे हैं तो कोई मुद्दों से भटकाने की बात नहीं है। लेकिन गोविंद जी, एक महत्वपूर्ण बात नरेंद्र जी ने यहाँ पे कही कि नाम बदलने से क्या उस स्थान का महत्व बढ़ जाएगा, इस पे मेरे को चाहिए जवाब। स्थान का महत्व बढ़ता है, स्थान वहाँ आज श्रद्धा पूर्वक पूजा जाता है, दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पर दर्शन करने, अपनी मन्नतें करने, अपनी मन्नतें पूरी होती तो वहाँ पर अभिषेक करने, तो स्थान का महत्व तो है ही। अगर कहीं पर, अभी कई जगह पर देश में जो मुगल कालीन सभ्यता के समय जो हमारी भारतीय सभ्यता को और संस्कृति को रोना गया, यदि उसके फिर से पुनरावलोकन करके और उसकी फिर से पुनर्स्थापना करने की बात चल रही तो क्या गलत बात है उसमें? तो ये अलग, सभी मोर्चों पर काम चलता रहता है, विकास के मुद्दों पर भी काम चलता है, बेरोजगारी के मुद्दे पर भी काम चलता है, ये अलग विषय है, वो अलग विषय है, एक साथ मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है हमारी सरकार तो। लेकिन गोविंद जी, फिर कांग्रेस का ये कहना है कि तो ऐसे तो फिर कई मांगे उठने लगेंगी, कई आवाजें उठने लगेंगी, क्या सब इलाकों के नाम फिर बदले जाएंगे? देखिए, सब इलाकों की बात नहीं, जहाँ पर उनसे ध्वनित होता है कि हम कहीं गुलाम थे, हम कहीं ऐसी जहाँ हमारी कोई परंपरा है, कोई संस्कृति सभ्यता है, वहाँ के नाम तो अगर उस पुराने दौर के समय स्थापित जी करने की अगर बात की जाती तो क्या गलत बात है जी। नरेंद्र जी, आप ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर नाम बदलने की यहाँ पे बात हो रही है, एक छोटा सा कमेंट चाहूंगी सर इस पे, मैं फिर मुझे आगे बढ़ना है जी। मैं कह रहा हूँ ना कि अभी आप देखिए गली गली से इस तरह की आवाज उठेगी, मोहल्लों के प्रसिद्ध जो स्थल है सबके नाम लोग बदलने की बात करेंगे, ये गलत परंपरा को जन्म दे रहे हैं, सिर्फ मुद्दों से भटकाने का कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, समाज में विमनस्य पैदा करने का काम कर रहे हैं। किसी भी खजराना के लोग मैं जानता हूँ वर्षों से, मैं भी इंदौर शहर में पला बड़ा हूँ, लेकिन आज तक किसी ने भी इस तरह की मांग नहीं उठाई, और इस तरह की मांग मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन में। ठीक है, नरेंद्र जी हमारे संवाददाता खुद पहुंचे हैं और आप दोनों हमारे साथ बने रहें, अब जनता से ही सुनते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि इस इलाके का नाम बदला जाए। चलिए कुछ वक्त है जब तक हमारे संवाददाता कनेक्ट हो, तब तक नरेंद्र जी आप अपनी बात कंटिन्यू करें। मैं भी इतने टाइम से इंदौर में रह रहा हूँ, कभी खजराना के लोगों से भी मेरा बहुत टच है, मैं भी दर्शन करने मंदिर जाता हूँ, लेकिन वहाँ गणेशपुरी भी कॉलोनी कभी किसी ने इस तरह की मांग नहीं करी, क्योंकि वहाँ कालिका मंदिर भी है, वहाँ गणेश मंदिर भी है और उसके अलावा वहाँ दरगाह भी है, तीनों प्रसिद्ध स्थल है जो इंदौर भर में फेमस है। लेकिन यदि कल से वहाँ कालिका माता का मंदिर है, उनके भक्त मांग कर सकते हैं कालिका मंदिर चौराया या रोड नाम रखा जाए, कल से मुस्लिम समाज के लोग मांग कर सकते हैं कि उनके नाम पे रखा जाए, तो ये गलत परंपरा को जन्म दे रहे हैं। इस तरह से समाज में विमनस्य बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो प्रसिद्ध स्थल है जिनके नाम वर्षों से चले आ रहे हैं
भारतीय जनता पार्टी इसमें एक अलग तरह की राजनीति करके समाज को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्हें कोई लेना देना नहीं, शहर के विकास पर बात नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ मुद्दों से भटकाने का काम। गोविंद जी, नरेंद्र जी, आप दोनों बने रहे हमारे साथ। अब इंदौर की जनता से ही जानते हैं कि आखिर वो क्या चाहती है। हमारे संवाददाता अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या चाहती है वहाँ की जनता? क्या नाम बदला जाए? क्या वो ये समझते हैं कि नाम बदलने से क्या इसकी पहचान और ज्यादा बढ़ जाएगी, मान्यताएं और ज्यादा जुड़ जाएंगी? अभी आप कहाँ पे खड़े हैं और आपके आसपास अगर कुछ लोग हों तो उनसे भी ये राय जाने। बिल्कुल करिश्मा, मैं फिलहाल में खजराना थाने पर खड़ा, वो खजराना मंदिर पर खड़ा हुआ हूँ और हमारे साथ जो खजराना मंदिर के मुख्य पुजारी है वो यहाँ पर मौजूद है। पहले सबसे पहले मैं उन्हीं की प्रतिक्रिया लूंगा करिश्मा की, वो क्या चाहते हैं। पंडित जी, इंदौर सांसद ने तो मांग उठाई है इंदौर नगर के सांसद श्री शंकर ललवानी जी ने बहुत ही अनुकरणीय पहल रखी है। सांसद यानी पूरे इंदौर शहर के प्रतिनिधि हैं, वो उनको पूरे इंदौर ने चुना है। उनका निर्णय सर्वमान्य है और उनका निर्णय जो है पूरी जनता का निर्णय है। श्री इंदौर में खजराना का नाम श्री गणेश नगर गणपति नगर ही रखना चाहिए। बहुत हमें इस बात का बहुत मन में बहुत हर्ष है, बहुत खुशी है कि पहली बार किसी सांसद ने इतनी बढ़िया इतनी सुंदर पहल रखी है श्री गणपति मंदिर की प्रचलितता दूर दूर देश देशांतर से यात्री अमेरिका कनाडा नाना प्रकार के अलग अलग बाहर देशों से यात्री यहां पर आते हैं। जो गणपति मंदिर के नाम से ही इंदौर में खजराना को जाना जाता है, तो क्यों ना इस नगर इस क्षेत्र का नाम गणेश नगर गणपति नगर ही रखना चाहिए। बहुत सुंदर बहुत अनुकरणीय पहल है हमारे श्री सांसद महोदय की। हम उनको बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये कार्य में अतिशीघ्र वह सफल हो और भगवान गणपति उनके सभी मनोरथ पूर्ण करे। जय गणेश। पुजारी विनीत, अखिलेश आसपास के लोगों से भी जाने, ये पुजारी जी का मत था, आसपास के लोगों से जाने, क्या वो भी यही चाहते हैं? बिल्कुल करिश्मा, मैं आसपास के लोगों का मत जानने की कोशिश करता हूँ। सर, इंदौर सांसद जी ने एक मांग उठाई है, खजराना गणेश मंदिर का खजराना का नाम बदलकर गणेश नगर कर दिया जाए, कितना सहमत है? गणेश नगर कर देना चाहिए। हाँ सर, इंदौर सांसद जी ने मांग उठाई है खजराना का नाम बदलकर गणेश नगर कर देना चाहिए। गणेश नगर कर देना चाहिए। तो बिल्कुल करिश्मा, खजराना गणेश खजराना का नाम बदलकर गणेश नगर करने की मांग उठाई जा रही है इंदौर सांसद के द्वारा, कितना सहमत है? होना चाहिए। चलिए ठीक है अखिलेश, तो वहाँ के कि होना चाहिए खजराने का नाम बदलकर गणेश नगर होना चाहिए। ठीक है, तो श्रद्धालुओं का ये कहना है कि खजराना गणेश मंदिर को अब गणेश नगर से और गणेश इलाके के नाम से जाना जाना चाहिए। ठीक है, नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र सलूजा जी, आपने सुना वहाँ के श्रद्धालुओं का भी यही कहना है कि इस इलाके का नाम अब बदला जाना चाहिए और वो भी कहते हैं कि जो सांसद जी चाहते हैं मतलब वही सही वो मान रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, यदि जनता से आप यदि मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं जनता से पूछेंगे तो क्यों जनता क्यों मना करेगी नाम बदलने के लिए? जनता क्यों नहीं चाहेगी? लेकिन एक परंपरा गलत जन्म दे रहे हैं। मैं आप बता रहे हैं शंकर ललवानी जी ने मांग करी थी इसके पहले कि सिंधी प्रदेश बना जाए। आप सिंधी समाज के लोगों से मिलिए, वो कहेंगे कि हाँ ठीक मांग उठाई बनना चाहिए, तो क्या फिर सिंधी प्रदेश भी देश में बना देना चाहिए, सिंधी राज्य बना देना चाहिए? तो इस तरह की मांग, तो यदि मैं सिख धर्म का हूँ, यदि आज मेरे से पूछेंगे कि मेरी जो क्षेत्र का है इसका नाम गुरु गोविंद सिंह जी या गुरु नानक देव जी के ऊपर रखना चाहिए, तो क्या मैं मना करूंगा? मैं बिल्कुल कहूंगा रखना चाहिए। मेरे समाज के लोगों से पूछा जाए तो मैं कहूंगा, लेकिन ये परंपरा को जन्म दे रही है। नाम में क्या रखा है? नाम से सिर्फ विमनत से पैदा किया जा रहा है, नाम से फिर एक समाज को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, कौन मना करेगा? गोविंद जी, आखिरी रिएक्शन, कांग्रेस का कहना है कि गलत परंपराओं को जन्म देने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। जो परंपराएं तोड़ दी गई, जो संस्कृति खत्म कर दी गई, उसको सही रास्ते पर लाने का प्रयास है, सही परंपरा को जन्म दे रहे हैं। परंपरा तो ये खत्म करने और खंडित करने का जो प्रयास आजादी के बाद कांग्रेस ने किया, हम उसको फिर से रास्ते पर लाकर उसके पुनर्स्थापना का काम कर रहे हैं। क्योंकि नाम में क्या रखा है, नाम दिन भर जब हम किसी का स्मरण करेंगे तो उससे क्या ध्वनित होगा? हम दिल्ली में जाते हैं कभी हुमायूं रोड अकबर रोड, उससे क्या ध्वनित होता है कि हम कभी गुलाम हुए थे, हम पर आतताइयों ने आक्रमण किया था, हम पर। चलिए ठीक है, अब गोविंद जी ये देखना होगा कि इसको लेकर आगे अब
जी बिल्कुल, आगे अब किस तरीके से यहाँ पे अब सियासत गरमाती है और कांग्रेस का क्या स्टैंड रहता है, लेकिन वहाँ के श्रद्धालुओं का भी यही कहना है कि सांसद शंकर लालवानी जी ने जिस तरीके से ये मांग रखी है, उनका भी यही मत है कि खजराना इलाके का नाम बदला जाए और गणेश नगर के नाम से इसे जाना जाना चाहिए। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से इस पर आगे काम होता है। वहीं राजधानी भोपाल की भी बात करें तो ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी रखने की मांग जोरों पर चल रही है। तो प्रदेश में इन दिनों नाम बदलने को लेकर सियासत काफी गरमाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए थे इंदौर से, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जुड़ने के लिए।